अगर हम लगाने की इसको बात करते हैं तो इसकी कुछ विधियां हैं, दो विधियां हैं जिसमें से एक तो मेड़ बना के है, दूसरी है समतल विधि में। अगर हम जो हमारी ज़मीन है उसमें जल जमाव की स्थिति नहीं होती है तो सामान्यतः हम समतल विधि में चुनाव कर समतल भूमि में लगाने का चुनाव करते हैं। और इसके लिए आप दो कतारों के मध्य लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और प्रकंद से प्रकंद के मध्य आप लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। एक चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान दीजिए कि चूंकि प्रकंद सड़ने की एक समस्या बहुत ही सामान्य सी है इन दोनों ही फसलों की खेती में, तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो फफूंद नाशी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, और इससे जब हम प्रकंद का उपचार करते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना लेते हैं और लगाने से पहले हम अपने प्रकंदों को इसमें आधे घंटे के लिए लगभग भिगो के छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो प्रकंद सड़ने की समस्या जो हमारे किसान भाइयों को देखनी पड़ती है उसका जो लगने वाली समस्या होती है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अदरक में समस्या एक आती है जो प्रकंद सड़ने वाली, इसका एक और तरह से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अदरक लगा रहे हैं तो 5 कतारें अगर हम अदरक की लगा रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम एक कतार हल्दी की लगा दें, और सिंचाई प्रबंधन जब हम नालियों में करते हैं तो उसको इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं कि अदरक और हल्दी इनकी मतलब हल्दी की जो कतारें हैं उसमें होता हुआ ही पानी अदरक की कतारों में जाए। तो इस विधि से जब हम लगाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि प्रकंद सड़ने वाली समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर हम इसमें बात करते हैं बीज दर की, तो 18 से 20 क्विंटल प्रकंद एक हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त देखा जाता है। उसके बाद सबसे प्रमुख बात आती है कि इसमें खाद एवं उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए, कितने अंतराल पर खाद और उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों बिल्कुल सही बात है कि पोषक तत्व प्रबंधन किसी भी फसल में जो उपज होता है उसको निर्धारित करने का एक प्रमुख कारक होता है। जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पोषक तत्व की अधिक मात्रा की इसमें आवश्यकता होती है। अगर यूरिया की बात करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और अगर फास्फोरस और पोटास की हम बात करते हैं तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और पोटास भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता इसकी पड़ती है। नाइट्रोजन की अगर हम पूर्ति की बात करते हैं तो उसके लिए यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम की पूर्ति की बात करते हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम डाई अमोनियम फास्फेट या DAP का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फास्फोरस के लिए हम डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो चूंकि उसमें 18% नाइट्रोजन भी पाई जाती है तो उसी अनुपात में हम यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसमें पोषक तत्व प्रबंधन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हमको खेत की तैयारी के समय ही मिला देना है, और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं यूरिया की तो उसे हमको 3 भागों में बांट के देना है। एक भाग को खेत की तैयारी के समय, दूसरे भाग को 40 से 45 दिन पे, और तीसरे भाग को इसी के बाद 40 से 45 दिन के बाद में इसे देना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं की व्यवस्था करते हैं तो अच्छी उपज इसमें सुनिश्चित की जा सकती है।